हेलो फ्रेंड्स, माधव केशव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स बाल गोपाल की बुकरम वाली पोशाक तैयार करेंगे। बुकरम वाली पोशाक तैयार करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इनको मैंने 2 फोल्ड किया है, 4 फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद मैं इनको 5 इंच का इधर से भी लंबाई करूँगी और उधर से भी लंबाई करके मैं 5-5 इंच की लंबाई करके मैं गोल सर्किल कट करूँगी। मैं इसका गोल बनाकर तैयार करूंगी। तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने तैयार कर लिया है गोल बनाकर। मैं एक बुकरम के ऊपर इसको प्रेस से चिपकाऊंगी। बुकरम ले लिया है, बुकरम लेकर प्रेस से मैं इसको गरम चिपकाकर तैयार कर गोल काट कर मैं तैयार करूंगी हमारे कान्हा जी की पोशाक। ये मैंने बुकरम काट कर तैयार कर ली है। ये देखिए, ये कोट भी मैं तैयार कर लूंगी। इसको काट ली, ये मैं बुकरम काट कर तैयार कर ली हूँ। अब लेस लगाऊंगी इसके चारों तरफ से। ये मैंने लेस लगा कर तैयार कर लिया है। अब मैं ये बूटी है मेरे पास, हैवी बूटी है, ये चारों तरफ ये बूटी लगा कर मैं तैयार करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर से एक नेफा लगा कर पहले ये नेफा लगाऊंगी और ये लेस लगाऊंगी। ये लेस लगा कर मैं तैयार करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लेस भी लगा ली मैंने, चारों तरफ नेफा भी लगा कर तैयार कर दिया है। अब मैं इसके चारों तरफ से बूटी लगाना शुरू करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बूटी लगकर तैयार हो गई है। हमारे बाल गोपाल की पोशाक कितने हैवी ड्रेस बनकर ये तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाल गोपाल की चोली बनाने के लिए तैयार करेंगे। मैंने चोली बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया है। 8 इंच का मैं इसका कट करूँगी। 2 इसकी लंबाई चौड़ाई बनाई है मैंने। ये लेस लगाकर मैं चोली बनाकर तैयार करूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ लगाकर इस तरह से स्टिच कर मैंने गोपाल जी की पोशाक बनाकर तैयार की। मैं यहाँ पर कुछ कुंदन है, वो कुंदन लगाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर देखते हैं कितने सुंदर बनकर हमारे गोपाल की चोली बनकर तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर बनकर हमारे कान्हा जी की पोशाक तैयार हो रही है। ये देखिए, चोली बनकर तैयार हो गई। अब हम मुकुट बनाएंगे इसके साथ का ही। मुकुट बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का फैब्रिक लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 इंच का ही मैंने ये बुकरम का फैब्रिक लिया है। इसको मैंने 9 इंच का मैंने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा लेकर मैं बुकरम बीच में रख कर और इस तरह से मैंने प्रेस से पहले ही चिपका कर तैयार किया था। ये पट्टियाँ इस तरह से डाल लूँगी। ये डालकर मैं यहाँ पर कपड़े से सिलाई करूँगी दोनों तरफ से। कपड़े से सिलाई करिए, मैंने ये किलंगी बनाने के लिए ये एक प्रेस से चिपका कर तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ऊपर मुकुट के लगाने के लिए किलंगी तैयार करेंगे और ये लेस मैं ऊपर स्टिच करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने मुकुट का बनाकर तैयार किया है। गोंद से चिपका लीजिए और ये देखिए, ये बाल गोपाल की मुकुट की किलंगी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से मैं सुई धागे से यहाँ पर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, हमारे कान्हा जी का मुकुट बनकर तैयार हो गया है।